हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और वो है डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का और नंबर ऑफ अनटू फंक्शंस का। तो देखो, ये क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप नंबर ऑफ अनटू फंक्शंस का जो क्वेश्चंस है वो डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या है, देखो कि आपके पास में 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनको 3 पर्सन में इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। नंबर वन क्वेश्चन समझ में आया, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, जिसमें सेट ए में ये 5 एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट 5 एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड ई, और इस बी में ये 3 एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3, करेक्ट है। तो मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ अनटू फंक्शंस, नंबर ऑफ अनटू फंक्शन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ अनटू फंक्शंस पॉसिबल होंगे। तो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, 3 पर्सन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सो दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, देखो 5 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको 1 दिया पर्सन 1 को, दूसरे पर्सन को 1 दिया, इसको 3 दिया, या फिर हम 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रकार से, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 2 दिया। तो अब ये इतने ही वेज पॉसिबल होंगे, करेक्ट है, 2 वेज पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 5 फैक्टोरियल, ये 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 1 1 दो बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया डिवाइड, ये डिवीजन है, और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में तो मल्टीप्लाई करिए 3 फैक्टोरियल से। तो इसका आंसर तो आ गया 16, और इसमें भी आते ये 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दो दो बार आया है 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 19। तो इसके आने से भी केस होता है और इसके आने से भी केस आता है, तो टोटल वेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अमंग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इज 60 + 19, दैट इज इक्वल टू 150। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और ये 2012 एडवांस का क्वेश्चन है। अब आ गए इस पे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शंस कितने होंगे। देखो अनटू फंक्शंस के लिए कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तभी फंक्शन अनटू होता है। मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट है ना, वो एसोसिएटेड होंगे इधर के एलिमेंट के साथ में। और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि फंक्शंस में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इधर इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ छूटना नहीं चाहिए। तो देखो अब इस पहले केस में 5, ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया, कैसे, अगर मान ले जाए ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये तीनों एलिमेंट यहाँ आ गए, करेक्ट है। पहली बात, क्या ये फंक्शन है? हाँ, तो इसका एक ही इमेज है, इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, तो फंक्शन तो है। क्या ये अनटू फंक्शन है? तो हाँ, एक कोडोमेन आपका 1, 2, 3 है और इसका रेंज भी यही सेट 1, 2, 3 है, करेक्ट है। तो ये अनटू फंक्शन है, ओके। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम अगर डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, करेक्ट, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन 3 पर्सन में सो दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। यही तो बोल रहा है ना, ये 3 ऑब्जेक्ट इसी एक बंदे को मिल रहे हैं, है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी बंदे को मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसी बंदे, मतलब एक बंदे को एक ऑब्जेक्ट मिला, एक बंदे को एक ऑब्जेक्ट मिला और एक बंदे को 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट, वही है, करेक्ट है। अच्छा, इसका दूसरा केस फिर आपको अभी पता ही चल जाएगा कि दूसरा केस क्या होगा, ए बी सी डी और ई 1, 2 और 3। तो हमने एक बंदे को 2 ऑब्जेक्ट दिए,
दूसरे बंदे को भी दो ऑब्जेक्ट दिए और तीसरे बंदे को एक ही ऑब्जेक्ट मिला, तो फंक्शन तो है सारे एलिमेंट्स के इमेजेस है, करेक्ट, और कोडोमेन आपके रेंज के बराबर है, तो ये वाला बात भी तो वही हो गया कि फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हमको तीन पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ईच पर्सन कैन गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, वही हो रहा है ना, एक बंदे को दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, दूसरे बंदे को दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं और तीसरे बंदे को एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीन पर्सन में सो दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कोई दूसरे केसेस नहीं होंगे। तो देखो इसको डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना होता है, 60, इसके नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शन 60 होंगे, इसके नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शन 90 होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शन की अगर हम बात करें तो 60 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 150 होंगे। अच्छा अब आपको ये भी देखना है कि क्या और कोई दूसरे फंक्शन है जो ऑन्टू हो सकते, मान लीजिए मैंने एक केस ऐसे भी ले लिया, ये सारे के सारे फाइव एलिमेंट्स एक ही बंदे के पास जा रहे हैं, तो फंक्शन तो है लेकिन ऑन्टू फंक्शन नहीं होगा ना, फंक्शन है लेकिन ऑन्टू फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे अब 150 के डिफरेंट आप कोई और फंक्शंस देख सकते हैं लेकिन वो ऑन्टू फंक्शंस नहीं होंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शंस का क्वेश्चन है वो एक्चुअली में डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बनेगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है तो। अब इसी में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर एक बार ऑन्टू फंक्शन निकाल लिया तो नंबर ऑफ इन्टू फंक्शंस भी निकाल सकते। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे 3 की पावर 5, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट इज 243, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में है उसकी पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए, तो ये 3 की पावर 5 मतलब 243 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। टोटल नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शंस हमने देख लिया कितना, 150, जो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से आया है। तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस क्या होगा, 243 माइनस 150, ये करेंगे 253 माइनस 150 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मिल जाएंगे, ये इनटू फंक्शंस हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल फंक्शन, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शंस। आई बात समझ में?